इन दिनों सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता अर्जुन आर्यन का भ्रामक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ हमला बोलने के साथ ही उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस नेता बुधनी विधानसभा का बताकर और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाने साध रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए तो यहां वीडियो बुधनी विधानसभा का नहीं है। कांग्रेस नेता इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर जिसे बुधनी विधानसभा का बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। वही इस वीडियो के मामले में पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता को भ्रामक खबर फैलाकर मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य को गिरफ्तार किया है। वही पुलिस ने बताया है कि पूर्व में भी अर्जुन आर्य पर कई प्रकरण दर्ज हैं। अर्जुन आर्य हमीरगंज तुमड़ी के हैं। कल इनके द्वारा एक भ्रामक वीडियो डाला गया था जिससे क्षेत्र के लोगों में भय एवं डर का वातावरण बना और असत्य वीडियो डाल करके और ये भ्रम आम जनता में पैदा कर रहे हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ पहले भी इस तरह का एक प्रकरण यहीं थाना नसरुल्लागंज में है, दर्ज है, और पहले भी अधिकारी कर्मचारियों से एमपीबी के मारपीट के और अन्य 5 प्रकरण हैं और प्रतिबंधक कार्रवाई से 6 प्रकरण के खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उस प्रकरण में आज इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का आरोप माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। माननीय न्यायालय का जैसा अग्रिम आदेश हो। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।